दोस्तों चेन्नई के मालिक ने की एमएस धोनी से मांग, फिर से बन जाओ कप्तान। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, क्या सच में चेन्नई के मालिक ने उनसे मांग कर दी है? बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं चेन्नई सुपर किंग्स के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2022 की शुरुआत चेन्नई के लिए खराब रही, क्योंकि पहले ही मुकाबले में उन्हें हार मिली। उसके बाद दोस्तों सबको लग रहा था कि चेन्नई कमबैक करेगी, लेकिन चेन्नई कमबैक नहीं कर पाई और इस समय वो पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर है। आने वाले समय में एसआरएच अगर एक भी मुकाबला जीतती है तो वह ऊपर हो जाएगी चेन्नई सुपर किंग्स से, क्योंकि चेन्नई ने 3 में से 3 मुकाबले हारे और एसआरएच ने 2 में से 2 मुकाबले हारे हैं। यानी अभी भी एक मुकाबला है एसआरएच के पास ऊपर जाने का, यानी पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पहुंच सकती है चेन्नई सुपर किंग्स। इसका सबसे बड़ा कारण रहा है चेन्नई की लीडिंग को। जी दोस्तों अक्सर चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हुआ करते थे और इसी टीम को विनिंग कराते थे, लेकिन दोस्तों पिछले 3 मुकाबले में जब रविंद्र जडेजा ने कप्तानी की है तो चेन्नई की टीम खराब प्रदर्शन कर रही है। इसमें सबसे बड़ा लूप होल नजर आ रहा है कैप्टेंसी में। कैप्टेंसी एक ऐसी चीज होती है कि जो अगर लीड करें अच्छी तरीके से तो जरूर जीतेगी टीम, क्योंकि दोस्तों कहते हैं लीडर अगर सही है तो टीम चाहे जैसी हो विन ही करेगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर खबरें ये आ रही हैं कि सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक फिर से एमएस धोनी की तरफ रुख कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों चेन्नई को फिर से एक नया कप्तान मिल सकता है एमएस धोनी के रूप में। बताया जा रहा है कि चेन्नई के मालिक ने धोनी से रिक्वेस्ट की है कि 1 साल के लिए और वो कैप्टनसी करें, ताकि जब तक रविंद्र जडेजा और मैच्योर हो सकें उनको अगले साल मौका दिया जा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या चेन्नई का जो नया कप्तान रविंद्र जडेजा को गया था वो फिर से चेंज होगा। हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके हिसाब से कौन नया कप्तान होना चाहिए ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रिकेट जगत की सभी खबरों के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।